कहना कि ये सिर्फ तीन ही केस है, इतना बवाल क्यों किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत बात है। हम बात कर रहे हैं बजरंग दल को बैन करने की, लेकिन जी ने कितना गलत बोला है। ध्रुव राठी भाई नहीं पकड़ा भैया, ध्रुव राठी भाई साहब केरला को डिफेंड किया और इतनी बेकार है ना लीजिए, ये केरला स्टोरी है भाई। सभी ने राम राम। इस वीडियो में मैं बात करूंगा ध्रुव राठी के, जो अभी रिसेंटली जो द केरला स्टोरी फिल्म आई है उसके ऊपर जो इतने जो कमेंट दिए, यानी कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। इसके अलावा जो भी मनोहर फारूकी का जो बयान आए थे, यानी कि उसने कॉमेडी शो में कैसी मतलब श्री राम के बारे में कैसी बात कही थी, इतनी घटिया बात के ऊपर भी डिफेंस किया था। यानी कि जो ध्रुव राठी है उसने मतलब काउंटर अटैक नहीं किया, मतलब इतनी घटिया घटिया चीज़ के ऊपर भी मनोहर फारूकी को डिफेंस किया, इतनी मतलब एक एक क्लिप आपने दिखाऊंगा। चलो भाई देखो अपने क्या, मैं आपको खुद ही बताता हूँ मुनावर ने क्या बोला। भगवान को अगर रिस्पॉन्ड करना हो तो वो गाना कैसा है ना, मेरा पिया घर आया ओ राम जी, राम जी को तुम्हारे पिया से कोई मतलब नहीं। वो कह रही है मेरा पिया घर आया, राम जी ने कहा मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। तो वो गाना कैसा है ना, देख मेरा पिया घर आया ओ राम जी, राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया, मेरा पिया घर आया राम जी, मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया, सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि इफ योर हस्बैंड इज ओ वाई योर अपडेटिंग माय हस्बैंड बिच। कैसे मतलब जो ध्रुव राठी है बजरंग दल ने बैन करवाने के बारे में मतलब उसके सपोर्ट में कराया है। हम बात कर रहे हैं बजरंग दल को बैन करने की, लेकिन एक एक चीज दिखाऊंगा आपने, मतलब सबसे पहली बात करी जाए तो मतलब ध्रुव राठी ने इस चीज का पता ही नहीं है कि भाई जो बजरंग दल है भारत के अंदर कितनी बड़ी भूमिका निभावा है। यानी कि जितने भी मतलब ये आप देखो अभी फिलहाल में कोविड आया था, कोविड के टाइम पे बजरंग दल के एक एक सेनानी, यानी कि एक एक आदमी ने जो भी बजरंग दल के साथ में जुड़ा हुआ था, एक एक आदमी ने कोविड के अंदर हर एक के मतलब ये चीज़ नहीं देखी कि कोई मुसलमान है उसकी मदद नहीं करनी, कोई क्रिश्चियन है उसकी मदद नहीं करनी है। उन मतलब जो बजरंग दल में जो एक एक आदमी था उन्होंने एक एक कोविड में बिल्कुल दर्शन पहुँचाया। जो भी दुर्घटना हुआ है चाहे केदारनाथ की लगा लो चाहे कोई भी दुर्घटना हुआ है, और एक दुर्घटना में जो RSS का जो बजरंग दल है वो सामने आया है, मतलब कैसे हर एक चीज में हेल्प की जावे। और एक ऐसा दल ने RSS का मतलब बजरंग दल ने एक ऐसी चीज के साथ में कंपेयर करा है, यानी कि PFI के साथ में, ISI के साथ में, मतलब जो एक आतंकवादी गतिविधि वाले संगठन है उसने एक RSS के साथ पे यानी कि बजरंग दल के साथ में कंपेयर कराया। अरे यार कंपेयर भी करो तो चीज को देखो, एक है देश ने आगे बढ़ाने में, देश में कोई भी दुर्घटना हो कोई भी आपातकालीन स्थिति आवा है तो उसमें सपोर्ट करा है, कोविड जैसी स्थिति में कोई भी डिजास्टर हुआ है उसमें बजरंग दल के जो मेंबर है वो सपोर्ट कर रहे हैं, एक हेल्प कर रहे हैं। और दूसरी तरफ PFI क्या है, देश में आतंकवादी की गतिविधियां बढ़ावा है, देश ने तोड़न का काम कर रहा है, एक ऐसी चीज़ ने। और ऊपर से जो ध्रुव राठी है वो इस चीज़ के सपोर्ट में है कि बजरंग दल बैन हो, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज़ ने बात करें भाई, अभी जो कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है सबसे पहली जो या जो फिल्म आई है द केरला स्टोरी, इसके ऊपर कैसे मतलब ध्रुव राठी ने सिर्फ और सिर्फ मतलब ऐसे बता दिया कि 32,000 लड़कियों के साथ में मतलब केरला में ऐसा नहीं हुआ, मतलब जो लव जिहाद की केस है 32,000 के साथ नहीं, मतलब कह दिया कि भाई तीन लड़कियों के साथ में, ओनली तीन लड़कियों के साथ में। अरे इस बंदा ने नो नहीं मेरा, मतलब ऐसी एक केस भी यानी कि एक केस भी ऐसा बढ़ाने खातर मतलब लव जिहाद में मतलब एक बंदा ने भी दूसरी जगह बेचने खातर इस लव जिहाद के थ्रू, तो उस बंदा ने यह चीज़ नहीं मेरा कि अगर एक वो बंदा यानी कि एक लड़की उसके घर में गई होती, तो यानी कि एक लड़की उसके परिवार में गई होती तो उसने उस चीज़ का जब पता चलता कि एक लड़की के साथ में भी होना, ये जो इतनी घटिया चीज़ है, इतनी मतलब कह दिया कि भाई इतना कि 32,000 लड़कियों के साथ में ऐसा नहीं हुआ, ओनली तीन लड़कियों के साथ में, यार शर्म आनी चाहिए ऐसी चीज़ कहते हुए। ओनली तीन लड़कियाँ, मतलब ऐसी तीन लड़कियाँ कोई जीवन नहीं है, मतलब ऐसी बोल रहा है कि मतलब फैक्ट के ऊपर बात करें, मतलब अरे फैक्ट कोई जज बैठा है, जज मतलब फैक्ट ने देखी कोई भी जजमेंट थोड़ी करा है, इस बंदा ने यह चीज़ भी नहीं पता कि तीन लड़के जो कि 32,000 केस हुए हैं, 32,000 ने छोड़ो ओनली तीन लड़के बात करें, चल तीन की बात भी देखो, इस बंदा की बात भी बड़ी की जावा भाई, तीन लड़के के साथ मतलब तीन लड़की ऐसी ही मतलब वही भी उनकी जिंदगी नहीं है, तो ऐसी ऐसी चीज़ बना हुआ है मतलब ध्रुव राठी मतलब एंटी हिंदू एंटी BJP और एंटी इंडिया, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ बताओ है कि अपनी वीडियो में हर एक चीज़ ने इस डालते पॉइंट फैक्ट ने तोड़ मरोड़ ही इस डालते पेश करेगा, हाँ भाई एक एक पॉइंट बिल्कुल सच है ध्रुव राठी की वीडियो का, इस डालते पोर्ट्रे करके वीडियो में दर्शावा है, एक एक फैक्ट फैक्ट उठाओ, मतलब लोगों ने क्या देखने मिला है, हाँ भाई ये बंदा तो फैक्ट एक एक चीज़ फैक्ट लेके आओ, पर ऐसे फैक्ट मतलब तोड़ मरोड़ की ऐसे वीडियो पेश करें, अब सब बंदा ने लगा अगर मैं भी उस वीडियो
मैं देखूंगा तो एक बार मैं सोचूंगा हाँ यार सारी चीज ठीक है, पर मैं एक एक फैक्ट ने दोबारा अलग अलग तरीके से रिसर्च करूंगा तो पता चला कि कुछ फैक्ट ना, मतलब ऐसे फैक्ट जो ओरिजिनल है उनने तोड़ मरोड़ की दर्शा हुआ है। नीतीश राजपूत जो है इसी टाइप की जो वीडियो बना हुआ है उस बंदा ने भी इस चीज के ऊपर काउंटर अटैक किया है ध्रुव राठी पे, लेकिन उस बंदा ने बताया भाई तीन लड़के के साथ में भी ऐसे मात्र 32,000 के साथ में नहीं हुए, तीन लड़के के साथ में उस बंदा ने एक एक चीज बताई भाई तीन लड़के के साथ में भी क्यों हुआ। तीन ही केस इतना बवाल क्यों किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत बात है। एक भी केस अगर है तो बहुत ही बड़ी बात है, और यहाँ पे बात हो रही है एक अडल्ट पढ़े लिखे लड़के और लड़कियों को कन्वर्ट करके आईसीस ज्वाइन करवाने की, ये बहुत बड़ी बात है। आप किसी को अगर करोड़ों रुपए भी दोगे तो जाके आईसीस नहीं ज्वाइन करेगा। आप सोच के देखिए सिर्फ एक आदमी को भी रेडी करने के लिए कितने हजारों लोगों को रीच किया होगा, तब जाके एक फंसा पाए होंगे। नीतीश राजपूत ने भी ध्रुव राठी के ऊपर काउंटर अटैक किया, जो बंदा जर्मनी में रह के अब इंडिया के बारे में मतलब फैक्ट बेस्ड बात कर रहे हैं, अब उस बंदा ने के रियलिटी का बताया है। अगर कोई बंदा दूर विदेश में रह हुआ है वो बात करे कोई इंडिया की, इंडिया में केरला में क्या चीज़ चल रही है, अब उसने बंदा ने जर्मनी में बैठ के फैक्ट पे बात करे, यानी कि इस एजेंसी की रिपोर्ट लिखा, इस एजेंसी की रिपोर्ट लिखानी भाई, रिपोर्ट ने उठा उठा के बात करे, उस बंदा ने ग्राउंड लेवल पे वर्क नहीं करा, जब तक क्या पता चलेगा ग्राउंड लेवल पे पहुंचेगा उसके बाद में सर्वे करेगा लोगों के साथ के कुछ भी तो लग रही है। अब बात कर लो पाकिस्तान में जो हिंदू है, पाकिस्तान के अंदर हिंदुआ की क्या स्थिति है, उसने क्या बेरा जर्मनी में बैठा है ना वो, तो अब जर्मनी में बैठ के उसने कैसे पता चला हुई पाकिस्तान के अंदर हिंदुआ की क्या स्थिति है, बांग्लादेश में क्या स्थिति है, वेस्ट बंगाल में क्या स्थिति है हिंदुआ की, मतलब दूसरे देश में बैठ के तुम रिपोर्ट ने देखो, रिपोर्ट के बेस पर बात करो, आप ग्राउंड लेवल पर पहुंचो ना, ग्राउंड लेवल पर पहुंच ही बात करो कि क्या रियलिटी है। कोई रियलिटी को बात नहीं करना, ओनली रिपोर्ट से, कई अमेरिका की रिपोर्ट उठा ली, कोई किसी भी एजेंसी की रिपोर्ट उठा ली, बात कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पर पहुंचोगे ना जब रियलिटी का पता चला है, कितने लोग परेशान हैं पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू लोग हैं, कैसे मतलब बांग्लादेश के अंदर जो कन्वर्जन किया जाओ, पाकिस्तान के अंदर कन्वर्जन किया जाने लग रहा है, तो मतलब आपने ही देखना है इस बंदे के साथ में क्या होना चाहिए, मतलब इस बंदे के साथ में खड़ा होना चाहिए। मतलब ध्रुव राठी की एक एक वीडियो आप देखोगे तो आपने एक देखने मिलेगा एंटी हिंदू है, और इसके अलावा मतलब एंटी बीजेपी, तो चलते को जाओ, मतलब सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव हो किस तरह मतलब वोट देना, कोई भी उसमें कोई किसी की दखल अंदाज नहीं होती, पर ये देखो ना एंटी नेशनल ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं, इसी हर एक वीडियो आपने देखने मिलेगा। आपने फैक्ट के ऊपर बात करनी है या फिर आपने ग्राउंड लेवल पर पहुंच की, आपने यह चीज़ देखनी है, अभी बिल्कुल सही चीज़ है जो कन्वर्जन चलने लग रहा है, और जो लड़के के साथ में लव जिहाद है होने लग रहा है कर्नाटक में, केरल के अंदर, वेस्ट बंगाल में, ये चीज जो चलने लग रही है। आपने इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो ने लाइक करो और शेयर करो इस वीडियो ने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे।